नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी स्टडी विद गौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज 12 सितंबर की विद्यार्थी जीवन से महत्वपूर्ण सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित रोजगार से संबंधित खबर है। इसमें देखते हैं आज के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहली खबर आपकी है, लेखपाल के 4,500 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू। प्रदेश में इस वर्ष 4,443 लेखपाल के राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के कारण लेखपाल संवर्ग के लगभग 4,500 पद खाली हो गए हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती कराने की तैयारी है। प्रदेश में लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं। राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2018-19, 19-20 और 20-21 में राजस्व निरीक्षक के पद पर 1,222 लेखपालों की प्रोन्नति इस वर्ष अप्रैल में की थी। इस प्रोन्नति के बाद प्रदेश में लेखपाल के 19,509 पद भरे, जबकि 11,328 पद खाली थे। इन 11,328 पदों में 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा करा चुका है। इन पदों पर भर्ती पूरी संपन्न हो भी जाती है तो भी 3,243 पद खाली रहेंगे। तो दोस्तों, जो आप लोगों का अभी 8,085 पदों का लेखपाल का हुआ, तो उसके बाद नई वैकेंसी आने वाली है जिनमें पदों की संख्या लगभग 5,000 तक रहेगी। अगली खबर आपकी है, सिविल में 40 रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती होगी। सिविल अस्पताल में 40 रेजिडेंट डॉक्टरों की तैनाती होगी। इससे पेट दिल जो भी पेशेंट आते हैं उनके लिए आसानी काफ़ी हो जाएगी। अगली खबर आपकी है, तैनाती के इंतजार में 1,340 प्रवक्ता और 247 प्रधानाध्यापक। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने 1,340 प्रवक्ता को अब तक कॉलेज आवंटन नहीं किया है। तो जिन लोगों को इसमें सिलेक्शन हुआ तो उन्हें अभी तक कॉलेज नहीं, तैनाती नहीं मिल पाई। उसमें से आपके 1,340 प्रवक्ता और 237 प्रधानाध्यापक हैं। इनका एग्जाम, इनका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, लेकिन इनको अभी तक पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। और ये अगली खबर आपकी है, 40,000 मानदेय देने की उठाई मांग। जो आपके शिक्षा मित्र शिक्षा मित्रों के लिए 40,000 रुपये मानदेय उठाने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। शिक्षा मित्र को 62 वर्ष आयु तक स्थायी कर उनको पूरे 12 महीने 40,000 रुपये वेतन। जो इन लोगों ने वेतन के लिए मांग उठाई, 40,000 रुपये हर महीने कहा है। और ये आपकी पांचवी खबर, लास्ट खबर है, जो है FCI में 5,000 से अधिक भर्तियां। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नॉर्थ जोन टोटल पद 2,388 अनरिजर्व, इसके बारे में बताया गया है। वेस्ट जोन, ये सारे जोनों को अलग अलग बताया गया, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन। इसमें आवेदन शुल्क आपका 500 रुपये है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। कल से संबंधित रोजगार संबंधित खबरों के लिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।